slightly surprised how young artists have used different mediums, different compositions. So I think what you were saying right now is right. I mean, perhaps these 2 years have given a lot of time to young artists for introspection, getting into themselves, understanding their own psyche, their subconscious, and then you can see that. Some of the art is rather disturbing, but that is the job of the artist. Sometimes he prefers to or she prefers to disturb you, because perhaps there's a need of the times too. What do you want to say about it and the artists you are giving the platform to them? Oh, I think it's not really about giving platform, rather finding an opportunity to work with all those artists who thinks creatively, their pure soul, and they have invested their time. I am privileged to have them here to work with me, rather saying that, oh, I could provide a platform. I'm an artist myself, and I think it's a great joy. सर, कोविड के बाद बहुत सारे जितने भी आर्टिस्ट थे बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे, ऐसे में सर इस तरह का एक आर्ट एग्जीबिशन होना कितनी बड़ी बात है? सर, बहुत अच्छी बात हुई, तो मैं वहाँ बोल चुका हूँ, कोविड और नो कोविड, आर्ट एग्जीबिशन होना बड़ी ही बात है। आजकल इन चीज़ों पर लोग ज़रा ध्यान कम देते हैं, आर्ट गैलरीज हैं उनमें लगता रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट द मेन स्ट्रीम कमर्शियल आर्ट सो But here you can see a lot of creativity, different thinking, different approach, different color schemes, different palettes. It's very good. I'm going back a happy person. Wow. Thank you so much. How was your experience here, and what message you got from Javed sir? How's the ambience and how's the experience here? एम्बियंस तो बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस मतलब जितना रिस्पांस अब तक मिला है काबिल तारीफ़ है। जावेद सर भी मतलब हौसला बढ़ा के गए हैं, मतलब इस टॉपिक को और कहाँ बढ़ा सकते हैं हम। डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत काम उन्हें पसंद आया और बहुत अच्छा लगा। और पेंटिंग के बारे में अगर कुछ बताया? एक्चुअली मैं सौदाजे सीरीज़ पर काम कर रही हूँ, जो मेलनकली, नॉस्टैल्जिया और लॉन्गिंग, जो एक फीलिंग होती है वो मिक्स होकर हमें जब हिट करती है तो उसे सौदाजे कहते हैं। पोर्तुगीज़ टर्म है ये। एक्चुअली ये मैं सब मेरे जो मेमोरीज़ है मेरे घर से रिलेटेड या जो मेरी यादें हैं उन सब से रिलेटेड, मैंने घर में क्या एक्सपीरियंस किया, मुंबई में आके मैंने क्या फ़ील किया, और वापस जब घर जाने की जो खुशी होती है, टिकट बुक करते हम दिन गिनते हैं, समय देखते रहते हैं, तो वो सब मेरा जर्नी दिखाया है मेरे होम टाउन से यहाँ पर आने के बाद का। और ये कार्डबोर्ड मैंने मीडियम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कोई भी चीज़ हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो हम वो कार्डबोर्ड में पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा पहली बार ट्रांसपोर्टेशन मेरे होम टाउन से मुंबई हुआ, तो इस वजह से ये मीडियम मुझे ज़्यादा रिलेट किया मेरे जो थीम है उसको लेके। सो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा कुछ चलता है। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू। सो सबसे पहले यहाँ का एक्सपीरियंस बताइए, जावेद सर ने क्या सजेशन दिया, क्या कमेंट किया आपकी पेंटिंग को लेकर, कैसा एम्बियंस का एक्सपीरियंस बताइए और आपकी पेंटिंग के बारे में। अगर हम एम्बियंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि ये जगह पे काम करने के लिए यहाँ पे जो हमें मेंटोर्स मिले, क्यूरेटर मिले, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जो हम लोग 3-4 महीने से यहाँ पे काम कर रहे थे, जावेद जी को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी व्हेन ही केम टू नो दैट आई एम प्रॉपरली फ्रॉम भोपाल। ही वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि वो भी कुछ साल वहीं पर काम कर रहे थे। और मेरा जो वर्क है वो मैं वर्ल्ड की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स पे काम करती हूँ, जो जिसका नाम भीमबेटका है, वो भोपाल में है एंड इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो उसी को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिस्ट्री रह जाती है पीछे, तो हम उसको रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, मैं उसी को लेकर काम करती हूँ। ओके, थैंक यू।